हेलो फ्रेंड्स, नाक से गला टपकना पोस्ट नेजल ड्रिप, यस बात करते हैं आज क्या है पोस्ट नेजल ड्रिप, क्या उसका ट्रीटमेंट है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप बहुत बार आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, जो बहुत सारे जो लोग आपके आसपास बैठे हुए होते हैं, लाइक एक ही कॉमन आदत है, ये करते रहते हैं। ये क्या है? ये है नाक का गले में टपकना, पोस्ट नेजल ड्रिप, जिसको हम हमारे मेडिकल लैंग्वेज में बहुत बार ये क्या है कि व्यक्ति को जो है अपनी जो है सामाजिक जो है वो क्रियाकलाप में भी अच्छा नहीं लगता, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता। तो बात करते हैं क्यों ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा जो नोज है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा नोज है वो मेन कल्प्रिट होता है। नोज के अंदर जो हमारी श्लेष्मा झिल्ली होती है, म्यूकोजा होती है, हमारे जो साइनस होते हैं, साइनस का जो इंटीरियर होता है, वहां पे इरिटेशन के कारण फ्लूड सीक्रेट होता है, पानी बनता है, एंड हमारा नोज जो दिख ऐसे रहा है उसका स्लोप पीछे की तरफ गले में खुलता है। सो ये पूरा ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे क्या है, हमारे गले की जो पोस्टीरियल जो वाल है, पीछे की जो दीवार है, वहां जाता है ट्रिकल होके, जैसे कोई बूंद बूंद जो जाता है। तो अभी क्या होता है कि रिफ्लेक्सली हमारा थ्रोट, हमारे गले की मसल्स, उसको क्लीन करने के लिए एक्शन करते हैं, लाइक ऐसे ये क्लीन करते हैं उसको, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। सो दोस्तों, इसका अगर कारण की बात करें तो मोस्टली जो है वो नेजल एलर्जी है। नोज के अंदर कोई मास हो सकता है, नाक के अंदर डीएनएस हो सकता है, नेजल पॉलिप हो सकता है, ठीक है। सो ये मोस्टली कारण है नोज से रिलेटेड। दूसरा, जो गले से रिलेटेड भी कई बार कारण होते हैं, इफ यू आर ए स्मोकर, अगर आपको स्मोकिंग है, आपको बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, आपको बहुत ज्यादा आपको जो है चिल्ड चीजें लेने की आदत है, या आपको बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग डीओ आप लगाते हैं, तो ये सब चीजें भी उस पोस्ट नेजल ड्रिप को प्रमोट करती हैं, और उस पोस्ट नेजल ड्रिप के कारण आपको जो है बार बार जो है हॉकिंग के कारण गले में स्वेलिंग भी आ जाती है। बहुत बार इस पोस्ट नेजल ड्रिप के कारण गले में जो है टॉन्सिल में भी इंफेक्शन हो जाता है। सो दोस्तों, ये हो गया कारण। बात करते हैं इसका क्या मैनेजमेंट है। पोस्ट नेजल ड्रिप का अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम डॉक्टर को दिखा के उसका कारण आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस सब मल्टीफैक्टोरियल चीज कि क्या इसका कारण है और कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो सपोज करो हमारा नोज से रिलेटेड कारण आया कि हमें कहीं डीएनएस है, हमें कहीं नाक के अंदर पॉलिप है, हमें कहीं साइनोसाइटिस है, या हमें कहीं जो है वो नाक में और कुछ मास बना हुआ है, तो सीटी स्कैन और नेजल एंडोस्कोपी के माध्यम से नाक के कारण इवेल्युएट करते हैं। अगर नाक से रिलेटेड कारण है तो हम उसको ठीक करते हैं। इसके अलावा गले से रिलेटेड बहुत बार क्या है, आपके टॉन्सिल बहुत बड़े हैं, या पेशेंट की हिस्ट्री में खान पान या उसकी जो है दैनिक क्रियाकलाप से वो चीज जुड़ी हुई है, तो उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है और पेशेंट को एटलीस्ट 10 डेज के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स, कुछ गार्गल्स एंड आपको जो है एसिडिटी के लिए कुछ मेडिकेशन दी जाती है, बिकॉज एसिडिटी के कारण भी हमारे को पोस्ट नेजल ड्रिप होती है। जब उसको ये सब चीजें कंट्रोल हो जाती है, देन वी विल गिव सम मिनिमम मेडिकेशन जस्ट टू प्रिवेंट रिकरेंस की बार बार आपको नहीं हो। सो दोस्तों, देखा आपने कैसे हम हमारे जो नाक के जो टपकता है गले में उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं, सो बिल्कुल उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज रियली यूजफुल। आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, और आपका कोई पोस्ट नेजल ड्रिप के रिगार्डिंग कोई सवाल है, डेफिनेटली आप यू जस्ट पुट माय कमेंट बॉक्स, हम उसके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।